हेलो एंड वेलकम टू आस्क द शार्क, यू नो द ड्रिल। आप पूछते हो सवाल और आपके सवाल हम पूछते हैं शार्क से। आज हमारे साथ यहां जुड़ रहे हैं मैन ऑफ स्टाइल एंड फाउंडर ऑफ शादी.com मिस्टर अनुपम मित्तल। सर वेलकम। थैंक यू सर। सर सवाल काफी इंटरेस्टिंग। तो सर सूर्य प्रसाद चेन्नई से वो पूछना चाहते हैं कि एक बिजनेस डिस्कशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू असर्टिव मैनर में कैसे पुट फॉरवर्ड करना चाहिए। सूर्य कुमार, अच्छा सवाल है और काफी लोग ये बात को लेकर स्ट्रगल करते हैं कि मीटिंग्स में या बिजनेस डिस्कशन में हाउ टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस। और यू नो, मैं यही कहूंगा कि उस चीज में ज्यादा सोचो अगर आप तो और पिसल जाओ। आई थिंक द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको क्वेश्चन ये पूछना है कि हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस रहेगा वो मीटिंग में या बिजनेस डिस्कशन में, तो अपने आप असर्टिवनेस डेमोंस्ट्रेट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली अपनी पॉइंट पुट अक्रॉस कर पाएंगे। तो इसका एक ही तरीका है, स्पेशली शुरू शुरू में जब आपकी कॉन्फिडेंस लो हो, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन से पहले सबसे ज्यादा तैयारी करनी चाहिए। मतलब यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वहां पर क्या बातें होंगी, किस विषय में बातें होंगी, किस दिशा में बातें जाएंगी। अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे जी, तो आप में कॉन्फिडेंस जाएगा। और अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप अपनी बात अक्रॉस कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वन शुड फोकस ऑन एज अपोज टू हाउ शुड आई बी असर्टिव। असर्टिवनेस अपने आप आएगा। सर वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। आई थिंक पहले तो आपको अपने कंटेंट पे, बेसिकली आपके प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और फिर आपको उसी चीज को बहुत क्लैरिटी से कम्युनिकेट करना होगा। एंड आई थिंक जॉब इज, इफ यू आर प्रिपेयर्ड जी, यू विल बी असर्टिव जी। अगर आप मीटिंग में डिस्कशन में चले गए और आप में सेकंड थॉट्स आए और सेल्फ डाउट्स आ गए कि मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, आपकी पर्सनैलिटी चुपचाप टाइप की है, तो आप नहीं एक कदम ले पाओगे। लेकिन आपको अगर पता है मैं सही हूँ और बाकी सब शायद नहीं है, तो यू विल बी एबल टू गेट योर पॉइंट। सूर्य प्रसाद, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज इससे मुझे भी बहुत फायदा हुआ कि अपने कंटेंट में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसे ढंग से पेश करना चाहिए। बेसिकली कॉन्फिडेंस इज द की, राइट? अदरवाइज मैं तो सर हाथ जोड़ देता कि प्लीज मुझे दे दो, ऐसे मत करो, है ना, मैं तो रोने से लग जाता। बट अच्छा कि आपने सवाल पूछा, इससे मुझे भी काफी क्लैरिटी मिली। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एक नए सवाल और एक नए शार्क के साथ।